महबूबे सुभानी कुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु अभी बचपने ही के आलम में है, मदरसा पढ़ने के लिए एक तशरीफ ले गए, उस्ताद ने पढ़ाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, औज़ो के बाद बिस्मिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद अलहम्द और अलहम्द के बाद अलिफ लाम मीम से जो शुरू किया तो 18 पारे ज़बानी सोना डाले, सुभान बेशक सुभान 18 पारे गौसे आज़म ने ज़बानी सुना डाले। उस्ताद हैरान है परेशान है, अब्दुल कादिर इंसान ही के बच्चे हो यार किसी जिन के बच्चे हो? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चा तो इंसान का हूँ, फिर ये 18 पारे आपने याद कैसे किए? इरशाद फरमाते हैं मेरी वालदा माजिदा उम्मुल खैर फातिमा सानी रदी अल्लाह ताला अन्हा 18 पारों की हाफिजा थी, वो रोजाना इन पारों की तिलावत करने के बाद ही घर का काम करती थी, रोजाना मामूल के साथ इन पारों की तिलावत किया करती थी, तब घर के कामकाज को हाथ लगाती थी। अल्लाह अकबर, यहीं पर रुक करके आप जुमला नोट करें, आज हमारी माँ बच्चों को सुलाती है तो टीवी का चैनल लगाने के बाद उन्हें गाने सुना करके सुलाती है, जब हमारी बहन बच्चों को सुलाती है तो फैश लिटरेचर गंदी कहानियां उनको सुना सुना कर दिखा दिखा कर सुनाती सुलाती है, आज हमारी बहन हमारी बेटियां हमारी माए अपने बच्चों की परवरिश टीवी चैनल और रिमाउंड के जरिए करती है। अल्लाह अकबर, तो हमारे बच्चों का आलम क्या है? ये आपके सामने छुपी बात नहीं है, मगर वो उम्मुल खैर फातिमा सानी थी कि उन्होंने 18 पारे तिलावत कुरान के इतने पढ़े इतने पढ़े इतने पढ़े कि बेटे ने पेट में याद कर लीजिए। सुभान बेशक सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौसियत फैजाने हुजूर गौसुल वरा फैजाने हुजूर दादा मियां नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो मुझे माफ किया जाए अगर जुमला ज्यादा सख्त हो जाए तो अरबाब मिंबर से तवज्जो, आज तो ऐसा गहमा गहमी का और पुरफितन दौर है, 70-80-90-90-100-100 साल के बुढ़े और जवान बेटियां जवान बहुएं भतीजियां पोतियां भांजियां नवासियां नाना भी है दादा भी है खाला भी है खालू भी है तमाम के तवान हैं छोटे बड़े सब हैं कोचको बुजुर्ग जवान बच्चियां भी हैं जवान लड़के भी हैं उसी में 80-90 साल के बुढ़े भी हैं। गंदी फिल्म है गंदा शॉट है फिल्म के लिटरेचर है टीवी चैनल्स है ये बेहयाई हमारे घरों के अंदर ये बदतमीजी हमारे घरों के अंदर ये औरियानियत हमारे घरों के अंदर खुदारा होश के नाखून लीजिए और याद रखिए अगर आपने अपने इन बच्चों के अंदर हया पैदा ना की तमद्दुन पैदा ना किया इस्लामी तहजीब पैदा ना की इस्लामी अतवार पैदा ना किए इस्लामी अखलाक व आदाब पैदा ना किए तो याद रखें वो दिन दूर नहीं है कि हमारे जैसे बुढ़े माँ बाप की चारपाइयां बेटे बाजारों में डाल देंगे और कहेंगे इस बुढ़े की इस बुढ़िया की घर में जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने घर के अंदर अपनी इज्जतों को बचाना है तो अपने घर के अंदर इस्लामी तरीका दाखिल कर दो गौस का तरीका दाखिल कर दो मुस्तफा की सुन्नतों पे अपने बच्चों को चलना सिखा दो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी बेशक सुभान अल्लाह।